दोस्तों मार्केट में इस तरह के गमले आजकल काफ़ी अवेलेबल है, क्योंकि ये काफ़ी लो क्वालिटी का जो प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल करके इस तरह के जो गमले हैं वो बनाए जाते हैं, और काफ़ी गार्डनिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त भी है, क्योंकि आपको इजीली और काफ़ी सस्ते में आपको ऐसा पॉट मिल जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या रहती है, वो समस्या ये है कि आप इसके अंदर जब देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे होल्स हैं। इसमें तो इतने होल्स वैसे आपके पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है आपको, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका ज़्यादा पानी है, वो सारे इससे निकल जाएगा। तो इसका आप कैसे, इसका आप मतलब किसको मैनेज कर सकते हैं और क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आपका कुछ पहले से डिकम्पोज किया हुआ कुछ लीव्स या पत्तियाँ, ये आप इसके बॉटम में आप बिछा सकते हैं, ऐसे इस तरह से आप बिछा सकते हैं, ताकि इसमें आपका जो भी न्यूट्रिएंट है उसका लॉस कम से कम हो। और इसके साथ साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कट करके और इसी के अंदर कुछ मैं डाल दिया करता हूँ, और ये लंबे समय से आपको न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल करवाता रहता है जैसे जैसे डिकम्पोज होता है, और प्लांट को कार्बन भी अवेलेबल करवाता है, क्योंकि एक ब्राउन मैटर है, जितना भी ब्राउन मैटर होता है वो आपके पौधे को कार्बन अवेलेबल करवाता है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। और दूसरी तरह आपका जो पानी का वेस्टेज है वो भी कम होगा, और उसके बाद में आप इसे पौधा ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि हम आज लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप, इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका पानी कम लगेगा, और दूसरा जो आपके गार्डनिंग के अंदर जो भी लीव्स आपके निकलती है या जड़ती है, पत्तियां जो जड़ती है, वो आपके ऐसे काम आती रहेगी, और आपका जो वेस्टेज है वो कम से कम निकलेगा और बेटर करने आपका मैनेज होगा। तो इसमें आज हम लगाने जा रहे हैं दो पौधे, एक तो हमारा करी करी लीव है जिसे मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा लेमन ग्रास है जिसकी काफ़ी मेडिसिनल यूज़ है, इसका ऑयल भी निकाला जाता है, व्यावसायिक खेती भी की जाती है इसकी। तो दोनों ही काफ़ी उपयोगी भी है आपके घर के जो भी कुछ आप व्यंजन अगर बनाते हैं, कुछ डिशेज बनाते हैं, तो इसमें भी काफ़ी सा यूज़ होता है इसके अंदर। तो आज अभी इसी को हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं एक छोटे बैग के अंदर। इसकी आप एक्स्ट्रा मिट्टी आप हटा सकते हैं, क्योंकि नर्सरी में काफ़ी सारा इसमें ये जो चिकनी मिट्टी है वो काफ़ी यूज़ करते हैं, ताकि जो पानी इनको बार बार ना डालना पड़े, तो इसकी आप ये एक्स्ट्रा मिट्टी आप हटा सकते हैं, क्योंकि इसका ऐसा कुछ यूज़ रहता नहीं। और इसी मिट्टी को आप नीचे बिछा दें, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इसे दूसरे हम बैग के अंदर शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये अपना एक बार जड़ इसमें पकड़ ली। और ऊपर से आप अपना जो भी गार्डनिंग में आप यूज़ कर रहे हैं मिट्टी, वो आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि इससे कवर हो जाए, और इसे अच्छी तरह से इसमें प्रेस करके इसे आप लगा दीजिए। और इसमें आप थोड़ा पानी के लिए भी जगह इसमें ज़रूर रखें, और धीरे धीरे वैसे ये नीचे बैठ जाती है मिट्टी भी आपकी, जैसे जैसे इसमें पानी जाएगा, ये देखिए आप इस तरह से ये तैयार हो गया।
ऐसे में इसकी लेमन ग्रास की जड़ें काफ़ी फैली हुई है इसमें, और आप इसे अलग भी कर सकते हैं पानी में इसमें डाल के। ये आप इसमें कुछ टाइम के लिए आप इसमें छोड़ दें ताकि इसकी जो मिट्टी है वो ढीली पड़ जाए, और आप इससे आसानी से इसमें इसके जड़ों को दूर करके और दो तीन इसमें आप जो इसके जो स्टेम है वो एक पॉट के लिए काफ़ी रहती है। इस तरह से आप इसे अलग कर सकते हैं इनकी जड़ों को ताकि आपके जो जड़ों का भी नुकसान ना हो। तो इस तरह से आप इसे अलग कर सकते हैं, और इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स है वो मैंने निकाल दिए ये, और इसे आप अपना इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि इसकी तो इस तरह से आप इसमें लगा दें। पहले आप 7 दिन या 15 दिन तक आप इसे शेड में रखें, जैसे कि मैंने अभी नेट में इनको शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, और 7 दिन के बाद में आप इसे धूप में शिफ्ट कर सकते हैं अभी। ये देखिए आप, तो ये दोनों अभी ये तैयार है।